हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं आप सब के लिए टर्किश बेटी कबाब, जो आप सबको बहुत ही पसंद आने वाला है। और इसी के साथ में हम बनाते हैं टमाटर की चटनी, वो भी बहुत सिंपल वे से, बहुत आराम से बन जाने वाला तीखी और टेस्टी चटनी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये है मटन 1/2 kg। सो मटन का कीमा हमने ले लिया है 1/2 kg। इसमें हम नमक मिला लेते हैं स्वाद के अनुसार। और इसी में हम मिला लेंगे जिंजर और गार्लिक, जिसको हमने गरी में कूट लिया है, और ग्रीन चिली 2 या 3, जितना तीखा आप खा सकते हैं या खाते हैं उसी अनुसार। और ये है प्याज, जिसका हमने पानी निकाल दिया है। प्याज को हमने पेस्ट बना लिया और पानी को निचोड़ कर हटा दिया है, क्योंकि कीमा में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। और ये है ओरिगानो, चिली पाउडर, काली मिर्च पाउडर और चिली फ्लेक्स हमने घड़ी में तैयार किया है। सो इन सबको हम इसमें डाल करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और एक अंडा हम मिला लेते हैं। सो अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। और हमने पैन में तेल को गर्म कर लिया है, ये सरसों का तेल है। तो फटाफट से हम टिकिया बना लेंगे। सो कीमे को आप किसी भी प्रकार से शेप दे सकते हैं, और बड़ा या छोटा जैसा भी आप चाहें वैसा आप रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये टिकिया है अच्छे से पक रहा है। और ये जो है हम मीडियम टू लो फ्लेम पे ही बनाएंगे, कि टिकिया जो है अंदर से भी गल जाना चाहिए, पक जाना चाहिए, क्योंकि ये मटन का कीमा है। सो एक साइड से हो चुका है, अब हम इसे हल्का सा पलट देते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं कि ये तैयार है या नहीं। देखिए हमारा जो टिकिया है ना, वो बिल्कुल तैयार है। और ये है टमाटर का पेस्ट हमने तैयार किया है। करीब 3 या 4 टमाटर हैं, आप जितना चाहे उतना यूज़ कर सकते हैं। और हम तेल डाल लेते हैं, रिफाइंड या सरसों, कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। इसी में हमने डाल दिया है लहसुन, जिसको हमने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इसमें हम पेस्ट को डाल देते हैं। और इसी में हम रेड चिल्ली पाउडर करीब 1/2 teaspoon,
इसी में हम ऐड करते हैं शुगर, 2 टीस्पून हमने डाल दिया शुगर। इसे अभी अच्छी तरीके से भून करके हम इसे बना लेते हैं। हल्का सा पानी हमने मिला दिया है। सो हमारा कबाब और चटनी जो है तैयार है। अगर ये रेसिपी आप सबको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़रूर से बनाइए। ये बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही इजी वे से हम बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।